31 पाकिस्तान में से एक हूँ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे को आस्थमा की बीमारी है और मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। अगर सपोज कर लो अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में मेरे को कोरोना हो गया तो मेरे लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरे को बाहर छोड़ने के लिए डर रहे हैं। एंड मे भी ये प्रॉब्लम बस मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ हुए, सो इस हालत में एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। एंड अबाउट ऑनलाइन मोड, नेटवर्क अवेलेबिलिटी भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम है। इवन कि एक स्मार्टफोन होना भी कुछ स्टूडेंट का ड्रीम है, जैसे गरीब स्टूडेंट्स जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते एक स्मार्टफोन। लाखों कोशिशों के बाद, लाखों रिक्वेस्ट के बाद हम आए हैं अंत में न्याय की मंदिर सुप्रीम कोर्ट न्याय पाने के लिए। आशा करते हैं हमें न्याय मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार। यूजीसी के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में हमने केस फाइल किया और हमारा केस चल रहा है। कहने की बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक पक्षधर ना रखते हुए मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं अब हमारे साथ आए, हमसे जुड़े और हम इस लड़ाई में साथ लड़ जाएं। जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस तरह से एग्ज़ाम देना या परीक्षा देना मुश्किल सा हो गया है। और कहने की बात यह है कि दिन पे दिन आज 50,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, किस तरह बच्चे इस फैसिलिटी में एग्ज़ाम दें, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। पैंडेमिक सबसे ज़्यादा है, महामारी इतने उच्चतम स्तर पे फैली हुई है कि जान मान का खतरा बना हुआ है। बच्चे परीक्षा देने से भयभीत नहीं है, बच्चे अपनी स्वास्थ्य को लेके, अपने परिवार को के स्वास्थ्य को लेके भयभीत है। और इसी के साथ UGC ने जो गाइडलाइन लाया था जुलाई के महीने में, तो वो मैंडेटरी करते हैं कि फाइनल ईयर के बच्चों को एग्ज़ाम देना। इसी गाइडलाइन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में गए और मैं एक मुहिम की शुरुआत कर रहा हूँ, वो है पेन डाउन। इस पेन को मैं डाउन कर रहा हूँ आपके सामने और ये प्रण ले रहा हूँ कि ये फाइनल ईयर की परीक्षा मैं नहीं दूंगा। आप में से जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बेझिझक जुड़े। 31petitioners@gmail.com में आप मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे 31petitioners करके आप जुड़े, और आप जो अपनी मन की बात रखना चाहते हैं आप हमें मेल कीजिए, हमें ट्वीट कीजिए। लेकिन हमें इस संकट की घड़ी में हर विद्यार्थी के साथ होना पड़ेगा। जहाँ एक और कुछ प्रांत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, आज आप वहाँ बच्चों को फोर्स कर रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। आज आप बोल रहे हो कि एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, भले आप इस मंथ में नहीं, आप बाद में आने वाले समय दीजिए, क्यों मैं अपनी डिग्री को पोस्टपोन करूँ? क्या आपको लगता है इस सुविधा में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है? मैं कोई राजनीतिक पक्षधर की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मुझे लगता है मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार। हाय, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हम UGC से यही पूछना चाहते हैं कि यहाँ तो 80-20 में एवेल्यूएट हुआ है, फिर क्या प्रॉब्लम है UGC को? 80% तो हम लोग में तीन जो बेस्ट सेमेस्टर है वो लिया गया है और 20% में इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, देन प्रोजेक्ट्स एंड टू रिपोर्ट्स। प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर से लिया गया, इंटरनल एग्जाम जो लिया गया वो भी सिलेबस के अंदर से लिया। फिर UGC क्यों नहीं मान रही है 80-20 एवोल्यूशन को? और हर दिन कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 55,000 to 57,000 केसेस टुडे, 57,000 केसेस से ज़्यादा है इंडिया में। ऊपर से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी कोरोना इफेक्टेड है। प्लीज़ हमारे बारे में तो सोचिए, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम हमारी मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए। हम नहीं जा सकते एग्ज़ाम देने, एयरबॉर्न ने कोरोना WHO ने पहले ही बोल दिया, और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देंगे? उतना तो नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है इतना स्पीड, इधर एक जगह खोजना पड़ता है कि हाँ इधर बैठ जाएंगे तो हाँ इधर सोशल साइट्स चल जाएगा, सोशल साइट्स बस चलते हैं वो भी मुश्किल से। ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देंगे? बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बस UGC बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा कर लिया है। तो उन लोगों को ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हुए हैं, आप उनसे पूछिए तो। UGC प्लीज़ अपने गाइडलाइंस चेंज करिए, हमें बचा लीजिए कोरोना से प्लीज़ UGC। थैंक यू। ओके, आई एम मधुश्री एंड आई एम फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन एंड
the last year is going on and this pandemic is so dangerous for us, not only for us, all of us. But UGC से मेरा एक ही सवाल है कि हम लोग वहाँ जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके तो वहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठेंगे, पर जो जर्नी हम लोग को करनी पड़ेगी यहाँ से हम लोग हमारे घर से यूनिवर्सिटी तक एंड जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ तक, उसके बीच का कौन गारंटी लेगा? हमारे घर पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं अभी तक एंड हम लोग ये कभी भी बियर नहीं कर सकते कि हमें भी कोरोना हो जाए एंड मेरे मम्मी पापा को भी हो जाए कोरोना। ये बहुत ही एक क्योंकि वो लोग एक एजेड है तो उन लोग अगर हो जाएगा तो हम कोई नहीं जानता कि उन लोग हम बचा पाएंगे या नहीं। तो अभी इस सिचुएशन में एग्जाम देने जाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं जा सकते। एंड द मेन प्रॉब्लम इज सितंबर 1st से एमएससी का क्लासेस शुरू होने वाला है एंड नोटिस भी आ चुका है सब कुछ। तो हम लोग अगर सितंबर एंड तक एग्जाम देंगे तो एमएससी का क्या करेंगे? मतलब हम लोग का एक साल लॉस हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर यूजीसी दे नहीं रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारे आंसरों का जवाब दे एंड यही बोलना चाहूंगी कि एग्जाम देना अभी एकदम पॉसिबल नहीं है। हम सब एक ट्रॉमा में है, ये बहुत 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 मुसीबत में हम सब लोग। तो इस समय घर से निकलना मतलब मौत को गले लगा लेना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ वन ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन अ वेरी पर्टिकुलर कॉज। एज यू नो द यूजीसी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन and also has forced the universities to take the exam anyhow by the September 30. The UGC has given us an option of an offline, online and a blended mode of examination. Let me count on the possibilities and the outcomes of the offline examination. If we go for an offline examination, first of all, it is very difficult for us to reach to the examination center. As you know, there is a haphazard way of the transportation right now. And also, along with the COVID at its peak, we are absolutely unsafe to travel from our particular state, since you know that during the lockdown we have all come down to our hometowns. Secondly, online examination. In an underdeveloped country like India, it is absolutely impossible with the poor infrastructure and poor connectivity to conduct or go for an online examination. Coming with the last option, that is the blended mode, we request the UGC to allow the universities to adopt an alternative mode of examination and allow the students to move on with their career so that they don't lose a year. I would request all the honorable ministers, including the education minister and all the other dignitaries of the UGC, to kindly look into the matter and allow the final year students to move on with their career. Thank you so much. Hello, I am Obi from West Bengal. And I am one of those 31 petitioners who have filed a petition in the Supreme Court against UGC. And I want to say hereby that the guidelines issued by UGC on 6 July are really against students' futures, their careers, job opportunities, and of course their health as well. So I want to request UGC that they should immediately take back or change their guidelines if they really, really want a stable future of all the students of the country. Because I think that giving exams in this in this pandemic situation will obviously not be better for us and for our future. And I just cannot understand that why is UGC not listening to the voice of the huge amount of students in this situation, because all now can see that most of the students in the country want just cancellation of their final year exams, but UGC is just ignoring all these stuffs. And I want to mention here that the case of CBSE, the CBSE case was judged in the Supreme Court, and the CBSE students obviously were given justice from the Supreme Court, and their exams were terminated. So I want to ask a question in this prospector, that do we have extra immunity power than the CBSE students, so that we are too much immune to the COVID-19 virus? Obviously not. And even many of the students of us have many reasons of comorbidities, that is, if they somehow get infected in the examination hall with COVID-19, then their life will be at greatest risk. So giving exams in this situation will obviously not be good for our future.
Hi everyone, I'm a final student. Hope all final students are facing the same situations during this lockdown. Because we don't have a degree certificate, we don't have any PG research seats for us. As we know that during this pandemic session, it's severely hit to the we final year students because we must write the final year examinations compulsory as per UGC guidelines as well as MHRD minister have told that. As we all know that during this pandemic session it's not, and the environment has not proper during this COVID cases are increasing in India, as the recent tally is more than 55,000 per day and more than 700 to 800 deaths rates are increasing. So in this section I am willing to tell that all the Indians, especially final year students, for their safety and their concern among the parents, please cancel the exam as per the revised UGC guidelines should be scrapped. Hope all final year students get justice and